बाद में आपको सांस लेने का इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगी जो कि मदद करेगा अगर आपके दिमाग में बहुत से विचार चलते रहते हैं, मन बड़ा चंचल है, एक जगह पर ठहरता नहीं है, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, किसी भी काम को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक तनाव बहुत होता है। और जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता है, आपकी नींद का जो क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है। यानी जिस तरीके की नींद आनी चाहिए आप अपनी नींद से सेटिस्फाई नहीं है, या कि फिर सोने जाते हैं आपको बहुत मुश्किलों के बाद नींद आती है, और अगर नींद आ भी गई तो वो गहरी नींद नहीं आती है, दूसरे दिन उठ के आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं है। आज का श्वसन अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो इससे आपके रेस्पिरेशन का जो क्षमता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा। आपके लंग्स को, जैसे हमेशा क्या है, बड़ी छोटी छोटी सांस लेते छोड़ते रहते हैं, तो इस अभ्यास से आपके लंग्स की पूरी कैपेसिटी का आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि शरीर और ऊर्जावान होगा। तो आप इस अभ्यास को जब भी अपने पूरे दिन का काम ख़त्म कर लें, बिस्तर में लेटने से कम 10 से 15 मिनट पहले यह अभ्यास करना शुरू कर दें और उसके बाद फिर सोने के लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि इस अभ्यास को सिर्फ आप सोने से पहले कर सकते हैं, बल्कि इस अभ्यास को तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का एक्सक्यूज़ रहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हम ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और नींद की परेशानी से बचना चाहते हैं, हमें परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सोने से पहले आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से करते हैं यौगिक श्वसन का अभ्यास। यौगिक श्वसन में एक्चुअली हम अपने लंग्स के तीन लोब, लंग्स के लोअर लोब यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, लंग्स का मिडिल लोब यानी चेस्ट ब्रीदिंग, और लंग का ऊपर वाला लोब यानी गर्दन का हिस्सा ये वाला क्लेविकुलर ब्रीदिंग, इन तीनों ब्रीदिंग को एक साथ बहुत स्टेप बाई स्टेप सीखेंगे। इस अभ्यास को आप चाहे तो बैठ कर सकते हैं या लेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारियां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं, अच्छी तरीके से समझा सकूं, किसी भी तरीके की कोई गलती आप ना करें। अगर आप चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, वरना मैं कोई भी फ्यूचर में वीडियो डालूंगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा और आप वीडियो मिस कर जाएंगे, इसीलिए नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए सीखते हैं यौगिक श्वसन का अभ्यास कैसे करेंगे। तो आराम से अपने बिस्तर पे या सोफे पे इस तरीके से, या अपनी योगा मैट पर पालती मार के ऐसे बैठ जाएं, और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने पर रखें, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे जोड़ लें, बाकी की तीन उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी, और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, आँखों को बंद कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद अपने ध्यान को अपने पेट पर लेके आइए, सांस लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाइए, इसको कहते हैं उदर श्वसन। पहले तीन अलग अलग स्टेप्स में सीख लेंगे, फिर पूरा यौगिक श्वसन करेंगे। तो पहला उदर श्वसन का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं अपने राइट हथेली को अपने पेट के ऊपर ऐसे रख रही हूँ, सो दैट पेट का फूलना और पिचकना आप समझ पाएँ। सांस ले रही हूँ गहरी लंबी नाक से, और सांस लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरह, जितना फूल सके पेट उतना फूलना है, ताकि लंग्स के लोअर लोब पर ये काम हो सके। सांस लिया गहरी लंबी, पेट फुलाया फुलाया फुलाया, पूरे पेट तक सांस भर ली। अब सांस छोड़ रही हूँ धीरे धीरे, पेट को खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, पेट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, पिचक गया। इनहेल, बेली गोज आउट, एक्सहेल, बेली गोज इन। अभी ध्यान सिर्फ पेट पर रख रहे हैं, पेट खाली हो गया, पूरी सांस लें, पेट तक सांस भरें, पेट फूल गया फूल गया फूल गया, और सांस छोड़ें, पेट धीरे 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 खाली हो गया, इस तरीके से। तो इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर ली, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। जब इतना अभ्यास आप सीख जाएं, तो फिर आप छाती पर अपने हाथ को रख लें, इसको कहेंगे चेस्ट ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग। अपने दाहिने हाथ को छाती पर रखा, गहरी सांस ली,
पूरी छाती पर सांस भर लिया, छाती फूल गई और सांस छोड़ दिया धीरे धीरे, छाती धीरे 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 खाली हो गई। गहरी सांस ली, छाती पर पूरी सांस भर लिया और सांस छोड़ रहे हैं, छाती पूरी खाली हो गई। सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, फिर से सांस लिया नहीं और सांस को छोड़ दिया। तो इस तरीके से हमने कर लिया थोरेसिक ब्रीदिंग। तीसरा जो भाग है इसका, उसको कहते हैं क्लैविकुलर ब्रीदिंग या गर्दनी श्वसन। यहाँ पर तो अपने इसके मूवमेंट के लिए अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर रख दें ताकि शोल्डर की मूवमेंट महसूस कर सकें। कैसे? सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, गर्दन तक सांस भर रहे हैं। सांस लिया, गर्दन तक सांस भर ली और सांस छोड़ा, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। तो ये हो गया क्लैविकुलर ब्रीदिंग। तो आपने देखा कि जो सांसें हम बड़ी छोटी छोटी लेते थे, अब उन सांसों को हमने गहरा कर दिया है और इस गहराई में सांस लेने और छोड़ने की वजह से हमारे फेफड़े पर बड़ा अच्छा इसका इफ़ेक्ट मिल रहा है और आपकी सांसें जितनी लंबी जितनी गहरी होंगी उतना ही मन आपका शांत होता जाएगा। तो इन तीनों श्वसन को का अभ्यास करने के बाद, अलग अलग करने के बाद, अब इन तीनों को एक साथ अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें और अगर आप इसको महसूस करना चाहते हैं तो राइट हथेली को ऐसे पेट पर रख लें, लेफ्ट हथेली को छाती पर रखें और अब गहरी सांस लें। पेट को फुलाएंगे, छाती को फुलाएंगे, यानी सांस लेते हुए पेट पर सांस भरेंगे, छाती पर सांस भरेंगे, फिर गर्दन तक सांस भर लेंगे। कैसे? गर्दन तक पूरी सांस भर ली, सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे नाक से। तो गर्दन की सांस खाली हो गई, छाती की सांस खाली हो गई और पेट जो है अंदर की तरफ पिचक गया। नई सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। आँख को बंद कर लें, ध्यान को सांस लेते हुए पेट पर लेके गए, छाती पर लेके गए, गर्दन तक सांस भर ली, मन ही मन से ये देख रहे हैं। और जब सांस छोड़ रहे हैं, गर्दन की सांस खाली कर दी, छाती की सांस खाली कर दी और मेरा पेट खाली हो गया। गहरी सांस ले रहे हैं, पेट फूल गया, छाती फूल गई, गर्दन तक सांस भर लिया और सांस छोड़ रहे हैं, अपनी गर्दन को खाली कर ली, छाती को खाली कर लिया, पेट को खाली कर लिया। जब कुछ दिनों का अभ्यास ऐसा आप सीख लें तो इसमें सांसों को रोकने का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे अभ्यास एक बार में करें, कोई भी अभ्यास एक पकड़ लें, जैसे कि कभी उधर श्वसन कर लिया या तो फिर नॉर्मल ऐसे अभ्यास कर लिया या कि फिर सांसों को रोक के। तो कैसे करेंगे? सांस को लिया नाक से, पेट पर सांस भरी, छाती पर सांस भरी, गर्दन तक सांस भर ली, ली हुई सांस को अंदर रोक लिया, जितना आप रोक सकते हैं उतनी देर तक रोक लिया और फिर सांसों को छोड़ेंगे नाक से, गर्दन खाली, छाती खाली, पेट खाली, एक्सहेल। सांस लिया गहरी लंबी नाक से, पेट पर सांस भर लिया, छाती पर सांस भर लिया, गर्दन तक सांस भर ली, ली हुई सांस को अंदर रोक के रखें जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी शक्ति हो। कोशिश करें जितनी सांस ली थी उससे दोगुनी सांस को रोकें और रोकने के बाद फिर छोड़ना शुरू करें। धीरे 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 सांस को छोड़ दिया, सांस लिया, रोक लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और छोड़ दिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ये तो अभ्यास हमने कर लिया बैठे बैठे। अभ्यास करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, जितने आराम आराम से अभ्यास करेंगे और जितनी लंबी देर तक अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप जानना चाहते हैं कितनी देर अभ्यास करें तो कम से कम 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास हर रोज़ किया जा सकता है और आप एक गहरी नींद ज़रूर महसूस करेंगे। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम आराम से लेट कर भी कोई अभ्यास करना चाहते हैं तो इसी श्वसन को करने के तरीके को हम आराम से लेट कर भी अभ्यास कर सकते हैं।
चलिए बताती हूँ कैसे। अब आराम से अपनी योगा मैट पर ऐसे लेट जाएंगे, इस तरीके से। सांस ले रहे हैं, पेट बाहर, छाती बाहर, गर्दन तक सांस भर ली और सांस छोड़ रहे हैं, गर्दन खाली, छाती खाली और पेट पूरा खाली, पिचक जाए जितना था सांस, पूरा बाहर निकल जाए। नई सांस लेंगे। सांस लेने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, गर्दन खाली, छाती खाली, पेट खाली, ध्यान सांसों पर रखेंगे। गहरी सांस लेंगे, पेट फूल गया, छाती फूल गई, गर्दन तक सांस भर ली और सांस को छोड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं, यानी जूम के माध्यम से आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकती हूँ। कुछ भी गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो उसको मैं वहीं पर सही कर दूँ और आप सही अभ्यास करें। हर एक अभ्यास आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से होते हैं और वो हेल्थ कंडीशन चाहे कोई भी हो, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, रात में नींद ना आना, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डिसीज़, हर इन परेशानियों में योग का अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप बिगनर हैं तो भी अभ्यास करें और अगर ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो समझें कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही दिशा में जा सके। हर दिन हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान सीखते हैं, यौगिक क्रियाएं करते हैं, जिससे आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिल सके, शारीरिक और मानसिक दोनों। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि जूम क्लासेस ज्वाइन कर लें, तो घबराइए नहीं, मैंने कुछ कोर्स डिज़ाइन किए हैं जो कि रिकॉर्डेड सेशन है। इन रिकॉर्डेड सेशंस को आप परचेस करके अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के कभी भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करके अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। और इन सारी वीडियो को एक घंटे की ड्यूरेशन का बनाया गया है, ताकि आप वीडियो चलाएं और अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दें बिना किसी इंटरप्शन के। अगर आप मेरी जूम क्लासेस और इन कोर्सेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की हुई है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो क्लास के बारे में और कोर्स के बारे में सारी जानकारी मेरे टीम के द्वारा तत्काल भेज दी जाएगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारे अभ्यास आपको अच्छी तरीके से सिखाएं, समझाएं, कितनी सांस लेनी है, कैसे सांस लेनी है और उसका क्या इफ़ेक्ट आपके शरीर पर और मन पर पड़ता है। आई एम श्योर कि ये सारी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपने अंत तक वीडियो देखी है, आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जाने से पहले, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखें, खूब ध्यान रखें। नमस्ते।